हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट अस स्टार्ट टुडेस डिस्कशन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा और एयर इंडिया में एफडीआई की मंजूरी दी है? टू हुम हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड एफडीआई इन विस्तारा एंड एयर इंडिया? विस्तारा का मर्ज हो गया है एयर इंडिया में और इस क्वेश्चन का आंसर है सिंगापुर एयरलाइंस। आंसर इज ए। हाल ही में एआई संचालित संवादी सॉपिक सहायक रुफूस किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड एआई पावर्ड कन्वर्सेशनल शॉपिंग असिस्टेंट रुफूस? तो ये लॉन्च किया गया है अमेज़न के द्वारा। आंसर इज डी। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार प्रदान किया है? हु वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट स्मॉल बैंक फाइनेंस ऑफ इंडिया अवार्ड बाय द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता? तो ये अवार्ड मिला है जन स्मॉल बैंक फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में रिलायंस समूह ने कौन सा एआई सूट लॉन्च किया है? विच एआई सूट वॉज लॉन्च्ड बाय रिलायंस ग्रुप? तो ये ग्रुप, इसका नाम है ब्रेन। आंसर इज सी। हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द मनु भाकर शूटिंग रेंज इनॉग्रेटेड? तो मनु भाकर शूटिंग रेंज का इनॉग्रेशन हुआ है मध्य प्रदेश में। आंसर इज सी। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता? हु हैज वॉन द डूरंड कप 2024 टाइटल? तो डूरंड कप 2024 का टाइटल जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने और इसने हराया है मोहन बागान को। चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? के हेमा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय केरला गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है और किससे? मलयालम, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से ये संबंधित है। सबीना शॉल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच सी? किस सी में लोकेटेड है सबीना शॉल? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। आंसर इज सी। मोना अग्रवाल रिसेंटली वॉन ए ब्रॉन्ज मेडल इन विच इवेंट एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स? 2024 पेरिस ओलंपिक्स में मोना अग्रवाल ने कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किस इवेंट में? तो इन्होंने जीता है शूटिंग में। आंसर इज सी। विच स्टेट टूरिज्म रिसेंटली वॉन द PATA गोल्ड अवार्ड 2024 फॉर इनोवेटिव हॉलीडे हेस्ट कैंपेन? इनोवेटिव हॉलीडे हेस्ट कैंपेन में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है किस राज्य को? तो ये मिला है केरला को। भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी टू हेल्प डिफेंस पेंशनर सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज? तो ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट नमन। आंसर इज ए। भारतीय तटरक्षक बल ICG के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। आंसर इज डी। भारत में हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? When is National Nutrition Week observed every year in India? तो इंडिया में न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 1 से 7 सितंबर को। आंसर इज ए। निम्न में से किसे महारत्न कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ महारत्न कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? तो इनका नाम है रजनीश सार नारंग। आंसर इज सी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो इनका नाम है धर्मेंद्र कुमार। आंसर इज बी। उत्तर प्रदेश सरकार किन दो शहरों के बीच एक औद्योगिक शहर विकसित करेगी? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल डेवलप एन इंडस्ट्रियल सिटी इन बिटवीन विच टू सिटीज? तो ये सिटी हैं झांसी और कानपुर, बोथ ए एंड बी। आंसर इज सी।
वर्ष 2024 के लिए कितनों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाउ मैनी पीपल वर अवार्डेड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर द ईयर 2024? तो ये मिला है कुल 5 लोगों को, आंसर इज ए। और भारत में जो पहले भारतीय थे जिन्हों मिला था, और इनको मिला था 1958 में, इनका नाम था विनोबा भावे। ओके, विनोबा भावे पहले भारतीय थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था, और इसको एशिया का नोबल अवार्ड कहा जाता है, नोबल अवार्ड। ओके, और ये इस बार का 66th एडिशन था। हाल ही में किसने टैनेजर 1 उपग्रह लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च टैनेजर 1 सैटेलाइट? तो इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, आंसर इज ए। हाल ही में 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? वेयर इज द 8th धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? तो ये हुआ कहाँ? अहमदाबाद में, आंसर इज ए। और आयोजनकर्ता थे कौन? इंडिया फाउंडेशन इसके आयोजनकर्ता थे। और थीम थी इस बार की कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा। हाल ही में एक पैरालंपिक में 2 एथलेटिक्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 एथलेटिक्स मेडल इन द पैरालंपिक्स? तो इनका नाम है प्रीति पाल, आंसर इज बी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।